आगरा में पटाखा बिक्री के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकेंगे। दिवाली पर पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुकानों के लिए जारी हुए स्थायी लाइसेंस भी जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिए हैं। जिन आवेदकों ने चालान से अस्थायी लाइसेंस फीस जमा की वो उन्हें अब वापस की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन पटाखे भी नहीं चलाए जा सकेंगे क्योंकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। दिवाली पर 3 दिन के लिए पटाखों की दुकान लगाने को जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पटाखा चलाने के लिए एनटीए द्वारा मना कर दिया गया है कि पटाखा बाजार नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों ने पटाखे के लिए दुकान का आवंटन मिल गया, हमको लाइसेंस के लिए पैसा जमा हो गया, हम लोगों ने पैसे का माल के लिए बुकिंग कर दी हमने, उसके बाद पटाखा चलाने के लिए मना कर दिया गया। पटाखा ना चलेगा ना बिकेगा। एमपी में पटाखा खोल दिया गया, ऐसे ही यूपी में हम जो उम्मीद करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से हम जो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ राहत की पैकेज दे और भले ही 2 घंटे के लिए चलने के लिए आते लेकिन पटाखा चलने के आते। त्यौहार दिवाली पटाखों का होता है, होली दिवाली जो त्यौहार हिंदुओं के हैं, अगर वही नहीं मनेंगे बिगड़ रंग के होली खिल सकती है। साथ ही पटाखों के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एडीएम सिटी ने बताया कि ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा क्योंकि किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। साथ ही कहा गया है कि आतिशबाजी करने पर एनजीटी ने 10,000 का जुर्माना तय किया है, प्रशासन उसका पालन करेगा। त्यौहार पर आतिशबाजी की जाँच के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीमें गठित की जाएंगी। अगर कोई भी आतिशबाजी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए 9 तारीख को जो आदेश आया था जीडी का, उसमें जो है आगरा जनपद जो वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स में जो है उसको जो है चिन्हित किया गया है और उसके दस्तखत ये पूर्णतया जो है पटाखों की बिक्री पर, उसके निर्माण पर, उसके चलाने पर पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अस्थाई लाइसेंस जारी होने थे 3 दिन के लिए, वो भी बंद करा दिए गए, वहाँ भी कोई लाइसेंस जारी नहीं हो रहा है और जो भी स्थान चिन्हित किए गए थे वहाँ भी पटाखा की जो है कोई दुकान जो है नहीं लगाने दी जाएगी। तो सतत निगरानी पुलिस और मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो है कराई जा रही है।